वेलकम टू श्री विकास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की सबसे फेमस मिठाई रसगुल्ला। तो ये मेरी भी फेवरेट है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है। तो चलिए आज हम श्री विकास किचन में सीखेंगे रसगुल्ला बनाने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही इजीली बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ला बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ला। चलिए बंगाली रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को बहुत अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से उबल गया है दूध। अब हम इसमें एक बड़े नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालते ही हम इसे चलाएंगे और मध्यम आंच पर रखते हुए इसे हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि ये छैना यानी कि पनीर नहीं बन जाता। वैसे हम मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, पर घर में बनाए पनीर की बात कुछ अलग होती है। बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही फ्रेश पनीर होगा, तो इसलिए हम घर पे ही बनाना प्रेफर करते हैं। बाकी अगर आप घर पे नहीं भी बनाना चाहते तो आप मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से पनीर निकल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस पनीर को छानेंगे। एक बर्तन में मैंने एक छलनी रखी है, उसमें एक कॉटन के कपड़े को गीला करके रखा है। अब हम इसमें अपने पनीर के मटेरियल को छानेंगे और पनीर को पानी से अलग कर देंगे। इसे बिल्कुल ध्यान से छानिएगा, बहुत ही गर्म है, आपको स्टीम बर्न्स हो सकते हैं। हमने अपना सारा मटेरियल इसमें खाली कर दिया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले हम इसमें एक गिलास ठंडे पानी का डालेंगे और फिर हम इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देंगे। निचोड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना आपके रसगुल्ले अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसके साथ आपके लिए एक टिप भी है, जो पनीर का पानी है उसे आप अपने बाल धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएंगे। देखिए इस पोटली को ऊपर से पकड़ते हुए मैं गोल गोल करके अच्छे से निचोड़ रही हूँ। इसे नीचे से नहीं पकड़िएगा क्योंकि बहुत ही गर्म होगा तो आपके हाथ जल सकते हैं। इसे हम अब आधे घंटे के लिए किसी ऊंची जगह पे, यानी कि टूटी हो गई किचन में या कोई भी ऊंची जगह पे बांध के इसे निचोड़ने के लिए टांग देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम एक कप चीनी डालेंगे और 3 से 4 गिलास पानी डालकर इसे हम चाशनी बनाने के लिए हाई फ्लेम पे यानी कि तेज़ आंच पे पकने के लिए लिड लगाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये बहुत ही अच्छी चाशनी बन जाएगी। अब हम अपने पनीर को चेक कर लेंगे, वो बिल्कुल अच्छे से निचुड़ चुका होगा। ये देखिए मैंने पनीर एक बाउल में लिया है, ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। चाहे तो आप मैदे को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये पनीर अकेले पनीर से भी बहुत अच्छे रसगुल्ले बन जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मैश करते हुए, जैसे कि हम एक आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इसे मैश करते रहना है और इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। बिना मैदे के भी ये स्टेप हो जाएगा। बाकी आप इसे थोड़ा अच्छा बाइंड देना चाहते हैं तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं यूज़ करना है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स लेके इसे बिल्कुल गोल लड्डू का आकार देना है। हमें बहुत छोटे बॉल्स लेने हैं क्योंकि ये चाशनी में जाते ही बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे, इसलिए हमें छोटे बॉल्स ही बनाने हैं। ये देखिए मैं आपको 2-3 बॉल्स बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, छोटा सा बॉल लेना है, अपनी हथेली पे घुमाते हुए इसे गोल लड्डू का आकार देना है। बहुत ही ईजीली हो जाएगा, कोई टफ स्टेप नहीं है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए सारे लड्डू तैयार हो गए हैं, हमारे रसगुल्ले बनके रेडी हैं। अब हमारी चाशनी भी देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गई है। ये इतनी ही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, बिल्कुल पानी के फ्लो में। अब हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे, एक एक करते हुए मैं इसमें अपने रसगुल्ले डालूँगी। ये देखिए हमारा रसगुल्ला कढ़ाई में जाके टूटा नहीं, फटा नहीं, कोई क्रैक्स नहीं आए, यानी कि हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे बने हैं। अब हम इसे लिड लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले बनके बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम ठंडा करके सर्व करेंगे, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।